हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर। जैसा कि हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है, ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लॉक कैसे तोड़े, पासवर्ड पैटर्न पिन विदाउट सर्विस सेंटर विदाउट डाटा लॉस। फ्रेंड, अगर आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस प्रकार पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक या पिन लॉक लग जाता है और अनलॉक नहीं होता है फ्रेंड, तो आपको ही पता होगा फ्रेंड कि आप कितना प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आप अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि आपका फ़ोन लॉक है। वो आपसे हुआ या आपके किसी फैमिली से हुआ या फैमिली रिलेटेड से हुआ, किसी कारण बस बाय मिस्टेक आपका फ़ोन लॉक हो चुका है और अनलॉक नहीं हो रहा है। आप इस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 99% व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर के पास जाते हैं या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हैं। फ्रेंड, वहां पे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, नो डाउट। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि वो लोग फ़ोन अनलॉक नहीं करते हैं, फ़ोन वो लोग अनलॉक करते हैं, लेकिन पैसा लेते हैं, समय लेते हैं, डाटा लेते हैं। जो डाटा आप अपने फ़ोन में रखे हो, फैमिली फ़ोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में रखे हो एडिट करने का, या बहुत सारे एप्लीकेशन होता है फ्रेंड, वो टोटल का टोटल एप्लीकेशन सर्विस सेंटर वाले या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले, आपको पता होना चाहिए, पैसा और समय लेने के बाद भी डिलीट कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर आप इस मेथड को, जो मेथड हम आपको अभी बताएंगे इस वीडियो में, उस मेथड को आप अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपका भी ओप्पो मोबाइल अनलॉक मिलेगा फ्रेंड, वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा। एक भी डाटा आपका इस वीडियो के मुताबिक अगर आप चलते हो, इस मेथड को फॉलो करते हो, तो आपका एक भी डाटा रिकवर डिलीट नहीं होगा, टोटल का टोटल डाटा रिकवर होगा। तो अगर आप चाहते हो फ्रेंड कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक मिले, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। अगर आपके पास सिम नहीं है, नेट नहीं है, तो भी आप इस मेथड को फॉलो करके अपने मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। फ्रेंड, सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वाइप अप करोगे, आपको दिखेगा इस फोन में पासवर्ड लॉक, पैटर्न होगा पैटर्न शो करेगा, पिन होगा पिन शो करेगा। आप अपना पासवर्ड यहाँ डायल करोगे, सोचोगे शायद सही पासवर्ड लग जाए, रॉन्ग पासवर्ड बताएगा। बार बार ट्राई करोगे, यहाँ सेकंड शो करेगा, फिर ट्राई करोगे फ्रेंड, आपको यहाँ मिनट शो करेगा। ऐसे में धीरे धीरे आपका फ़ोन फ्रेंड डेथ होता चला जाएगा। आप एक नज़र इस पेज पे डालना और देखना फ्रेंड कि आपको यहाँ पे वर्क करने के लिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या। कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ऑप्शन के, जो होगा इमरजेंसी कॉल जीरो के नीचे। ऊपर देख लीजिए, दाएँ देख लीजिए, बाएँ देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल ही दिखेगा। तो हम लोग फाइनली इमरजेंसी कॉल का मदद लेंगे फ्रेंड, हम लोग फाइनली इमरजेंसी कॉल का मदद लेंगे। मैं फिर से करके बता देता हूँ, जब आप स्वीप अप करोगे नीचे इमरजेंसी कॉल दिखेगा, इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने एक न्यू डायलेट का ओपन होगा। इस न्यू डायलेट में आपको *#899 कोड याद रखना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, *#899 और हैज, ये कोड जब आप अपने डायलेट पे डायल करोगे दोस्त, तो आपके सामने एक इंजीनियर मोड नाम का पेज का ओपन होगा, जिस पेज में आके बंदे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो आपको चौथा नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो ऑटोमेटिक टेस्ट के नीचे मैनुअल टेस्ट आपको दिख रहा है ना फ्रेंड, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पेज को छोड़ देना है, क्योंकि उस पेज में हमारा कोई वर्क नहीं होता है। आपको डिवाइस डबिंग पे आते हैं के साथ अपना सेंसर चेक करना है फ्रेंड, कि आपका सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो नीचे बढ़िएगा तो आपको दिखेगा जी सेंसर, जस्ट एक ऑप्शन के नीचे दिखेगा एम सेंसर। ये दोनों फ़ोन का सेंसर होता है फ्रेंड, लेकिन ओरिजिनल सेंसर होता है जी सेंसर। तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और ऊपर में क्लिक करेंगे। आप यहां देख सकते हो फ्रेंड कि आपके फ़ोन में सेंसर जो है उसके पास तीन एंगल है, एक्स वाई जेड, और तीनों का तीनों वर्किंग में है। इसका मतलब साफ है फ्रेंड कि इस फ़ोन का सेंसर एक्टिव है, अगर ये डीएक्टिव होता तो रनिंग नहीं कर रहा होता फ्रेंड। अब हम यहां से बैक करेंगे, उसके बाद आपको जी सेंसर के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा जायरोस्कोप, आप जायरोस्कोप पे क्लिक करना। ऊपर ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ पे क्लिक करना और इसको 10 सेकंड रनिंग करते हुए छोड़ देना फ्रेंड, ताकि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल है वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाए, चाहे एक हो चाहे हजार हो, क्यों ना, वो टोटल का टोटल ब्रेकअप हो जाएगा। जब आपको लगे कि 10 सेकंड हो गया, आप इसको बैक कर सकते हो फ्रेंड।
तो अब आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, वर्क पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगर आप वर्क पे सही तरीके से ध्यान देते हो तो आपका फ़ोन अनलॉक होता है, वो भी विदाउट डाटा लॉस होता है। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है और यहाँ पे पास लाना है। आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे हम करेंगे, अगर स्टार्ट करने का ऑप्शन होगा तो हम स्टार्ट भी करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हमारा रिजल्ट शो होगा पास या फेल। और यहाँ पे पास आना जरूरी होगा फ्रेंड, अगर फेल आता भी है तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू ट्राई करते रहना है जब तक पास ना आए, क्योंकि यही मेन वर्क है फ्रेंड। तो देख सकते हो मैंने जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक किया और एक बार में हमारा पास आया है, और इसी पास की आपको भी आवश्यकता है। तो अब हम इसको बैक करेंगे, ये टेस्ट देना जरूरी है फ्रेंड। डाटा डिस्प्ले तीन नंबर ऑप्शन, जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। जो सर्विस सेंटर वाले पैसा समय लेने के बावजूद भी आप लोग का डाटा रिकवर करके नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे रिकवर डाटा कैसे किया जाता है। आपको डाटा डिस्प्ले पे सिंपल तरीके से क्लिक करना है। आप देखोगे एक्स वाई जेड तीन एंगल नीचे की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर ये 30 तक बिना रुके हुए जिस ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इंक्रीज करता है, तो ये आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर करता है फ्रेंड। आप देख सकते हो ये 30 प्लस हो चुका है, 31 हो चुका है। अब हम इसको बैक करेंगे, यहाँ से हम आपको कंफर्म बता रहे हैं कि आपका डाटा सेफ हो चुका है, जो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा। अब हम इसको बैक करेंगे, लास्ट पेज पे जाएंगे जिसका नाम होगा अदर। अदर्स पे आने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट। आपको यहाँ फर्स्ट टाइम में क्लिक करना है, कैंसिल कर देना है फर्स्ट टाइम में क्लिक करने के बाद। सेकेंड टाइम में जब आप क्लिक करोगे नीचे ओके का ऑप्शन दिखेगा, आप ओके कर देना कैंसिल के बगल में। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आपके भी फ़ोन में शो हो रहा है तो आप समझिएगा पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी है वो रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको तीन नंबर ऑप्शन दिख रहा है की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और पास या फेल आपको चेक करना है। तो हम क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो फ्रेंड नेम में जितना भी की है स्टेटस में टोटल का टोटल पास है फ्रेंड। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो वो टूट चुका है। तो अब आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए फ्रेंड। अगर यहाँ भी अगर आपको पास दिखता है तो आपका फ़ोन अनलॉक होता है, वो भी विदाउट डाटा लॉस होता है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हमारा रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर भी पास शो किया है। तुरंत होम बटन है तो होम बटन पे क्लिक कीजिए, यदि स्वीप अप का ऑप्शन है तो आप स्वीप अप भी कर सकते हो। मैंने होम बटन पे क्लिक किया और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये फ़ोन इजीली तरीके से मैजिकली तरीके से अनलॉक हुआ, वो भी विदाउट डाटा लॉस हुआ, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसा दिए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के मैंने इस फ़ोन को अनलॉक किया, वो भी विदाउट डाटा लॉस किया। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मॉडल नंबर के साथ मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।